वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था। तो आज़ादी के इस पावन उपलक्ष्य में आज हम जा रहे हैं सरस्वती विद्या मंदिर में कार्यक्रम देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं वहाँ जाके। साढ़े नौ बज गए हैं और स्कूल ठीक मेरे यहाँ पे ऊपर पे है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम। क्यों पूजा ठीक फर्स्ट बार आ रही तू विद्या मंदिर आज? हाँ थोड़ी सी थी जैसी भी है अपनी यही कहानी, थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी, हम में काफी बातें हैं जो रखती है दीवानी, फिर भी दिल है इंसान। नीचे स्कूल में तो कार्यक्रम चल रहा है, अभी मैं पूजा को जो है ऊपर लाया हूँ जहाँ पे हम पढ़ते थे। ये स्कूल जो है नीचे, ये तो अभी बना है कुछ टाइम पहले, लेकिन जब हम पढ़ते थे हमारा टाइम जो दौर था 2012 का 2014 का, वो टाइम दोस्तों यहाँ पे था, यहाँ पे हम पढ़ते थे और उस टाइम पे तो ये ग्राउंड भी नहीं था। ये कक्षा 8 की क्लास ये थी, ये प्रिंसिपल रूम था। तो हमारे टाइम पे जो था मंच यहाँ पे था, ये देखो यहाँ पे बैठ के कार्यक्रम होता था। तो स्कूल की ड्रेस भी जो है पीली हो गई और आचार्य जी भी बदल गए हैं, लेकिन माँ साहब हमारे जो पुराने थे वैसे ही आज भी हैं और सब बढ़िया। और अब यहाँ पे इस साइड में तो जो है एकदम बंद टाइप का ही लग रहा है, नहीं लग रहा आचार्य जी? और अब जो है उस साइड में बन गया है नया स्कूल। नया स्कूल वही नीचे है, यहाँ तो कमी लोग रहते हैं। यहाँ कमी है ना आचार्य? खाली और एक दो क्लास बस। और ऊपर वो बंद है, ऊपर दुमंजला पूरा बंद है। अच्छा स्कूल का दुमंजला है। यहाँ पे जो है इतने सारे क्लास है लेकिन अब यहाँ पे कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन हमारे टाइम पे यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ थी जिसका कोई हिसाब नहीं था। और वहाँ पे जो वो लास्ट वाला रूम दिख रहा है वहाँ पे भी बैठते थे हमारे प्रधानाचार्य जी। मैं जो पढ़ता था मेरी क्लास ये वाली थी लास्ट में, जो हम 10th पढ़ते थे ये थी हमारी क्लास। और ये बोर्ड है शायद इसमें हमारा नाम भी होगा, नाम कहीं पर दिख रहा, आनंद सिंह 307 नंबर 61.4%। दोस्तों ये परसेंटेज के हिसाब से सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक भगवली भोकर। इस स्कूल से हम चले गए, हमें इस स्कूल से जाए हुए बहुत टाइम हो गया है क्योंकि हमने 2014 में ही 10th पास कर दिया था और हमारे टाइम पे ये 12th नहीं था। अब तो यहाँ 12th हो गया है, NCC हो गया है, लेकिन आज भी हमारा नाम जो है स्कूल बोर्ड में है। देखकर अच्छा लगा, मन को शांति मिली, मज़ा आ गया। मैं चश्मा पहनने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था लेकिन आँखों में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी इसलिए चश्मा पहन के ही बैठना पड़ा। चलो चलें, ये रास्ता पूरा ख़त्म दोस्तों गाँव को जाने वाला। वो भी स्कूल पूरा घुमा दिया है, अब हम जा रहे हैं घर की ओर। कार्यक्रम भी हमने देख लिया, बहुत ही बढ़िया लगा, आनंदमय रहा ना पूजा? दोस्तों हीरा आचार्य जी आप सभी छात्रों से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ आचार्य जी, मेरा कहना यह है कि जितने भी पुराने भैया बहन हैं उनको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, जो जहाँ स्वस्थ रहें मस्त रहें, खूब जम के अपना कार्य करें और कभी विद्यालय भी आए जरूर, अपने पुराने विद्यालय को याद करें, यही मेरी 15 अगस्त के लिए शुभकामनाएं। ठीक ठीक है आचार्य जी, सभी प्यारे भाई बहन आएंगे। पर्दा सही हो रहा? जय हिंद जय भारत। मेरे छोटे बड़े भैया बहनों,
जैसे कि आपको विदित है कि आज हम यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। एनसीसी की ड्रिल चलती है तो इस अवसर पर मैं आप सबके समक्ष तो मैं बाइक लेके था लेकिन जा रहे हम पैदल रहे हैं क्योंकि बाइक जो है विजय भाई लेके चले गए हैं। चाबी मेरे पास थी, दूसरी चाबी लेके चले गए। क्यों मुझे मेरे हाथ में हो गया पेन। नमस्कार। और बढ़िया हर्चा बढ़िया सब सही। बाप रे हल कहाँ सा स्कूल बोन सा ठीक समय जी ठीक। पूजा जो है थोड़ा खरीदारी कर रही है अभी। खरीदारी वही हुआ उसके पॉपकॉर्न चिप्स वगैरह वगैरह। दोस्तों पपीता हो गया, सेब हो गया, प्याज, लौकी, कद्दू, टमाटर, सारे सब्जियां। लेकिन पूजा के हाथ में वही चिप्स के पैकेट और ताऊ जी का अंदर चल रहा हिसाब गणित। हाँ देखो चुप रह जाओगे तुम। ताऊ जी बढ़िया है कैसे चकोबार। ए देश मेरे चले डबल दे दे डबल अरे वो दोस्तों अब हम मार्केट से भी घर की ओर सफर हमारा जारी हो गया है। बबल्स उड़ाएंगे जिसकी मार्केट में कीमत है 20 रुपया और 20 रुपये में ज्यादा चलता भी नहीं है। ये देखो कि जो है उमस से हालत खराब हो गई है, बहुत ज्यादा गर्म हो गया इसको। बना देते हो रोड के साइड बनाते हैं। घर हमेशा दोस्तों एकांत में ही होना चाहिए। इधर एकांत नहीं होते इनको मुलुगा और रोड में आओ 36 आदमी अपना एकांत में अलग से शांति माहौल में गौतम बुद्ध की तरह एकांत जंगल में आया है। ध्यान लगाओ यहाँ, चलो अंदर बैठो वहाँ पे ध्यान लगाओ। खाना भी खाते हैं अभी जो है आज जोई भात बना है और ककड़ी की टपकी। शाम के 6 भी बज गए हैं, अब हम जाएंगे थोड़ा मार्केट। पूजा रह गई घर में ठीक है पूजा। क्या है मार्केट? मार्केट में हम थोड़ा देख के आते हैं क्या हाल समाचार हो रहा है। दिक्कत हो रही ना कोई मार्केट वार्केट नहीं कर रहा। दवाई लेके आएंगे कुछ लोग कुछ बुढ़ा को एक हंसानी मानसी नहीं तो नहीं दवाई है मैं लाई हूँ घर में सुबह। दवाई से नहीं होता यार। तो किससे होता है? थोड़ा माहौल देखना ही पड़ता है ना पूजा। ओ मोहनदी क्या कर रहे गोबर निकालो चल। ये तो वही फूल है जिसकी पिपरी बनती है। तो गदवे का लगुल कितना बड़ा है, कहते हैं एक गदवे का लगुल 7 गांवों को घेर लेता है। ये अगर है ना लोग तमर क्या क्या हरी साग सब्जी इतना देखो। और सुनाओ सब बढ़िया हनल मस्त। कहाँ से आ रहे हो बच्चों? क्या क्या सब्जी ला रहे हो आज? आलू, लौकी। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों शाबाश, ऐसे ही काम करते रहो। ये देखो दोस्तों एक झोला लौकी ले गई हर्षु भी और ये इनके पीछे चल दिया लक्की। किल लगा रहे हो? हाँ जी किल लगा दिया। किसने? गाय ने उखाड़ दिया। गाय ने उखाड़ दिया। तोड़ दिया बोलो। तोड़ा उखाड़ा? तोड़ दिया। तोड़ दिया। अच्छा अच्छा। और साग सब्जी क्या हो रही है इस बार? अभी पिनालू चल रहे हैं फिर। पिनालू? अरे वाह वाह। और हमारे वो लग रहा है हमारे क्या कहते हैं तो तोरी का लोगो लगा है। अच्छा। और शान में तुम्हारे करेला 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 भी करेला भी। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मेहनत रंग लाई। मेहनत रंग ला गई। फूल देखो कितना प्यारा फूल खिला हुआ है। वाह वाह वाह। आ गए हमारे विपन दादा डॉन। ये ये है धतूरे का पेड़, धतूरा भी हो रखा है और धतूरे का फूल भी हो रखा है। ये देखो जो है भोलेनाथ को चढ़ता है। हमारे सागर भाई इनका जो दूसरा नाम है वो है कमांडो।
शाम के 8 बज गए हैं और पूजा जो है अभी रोटी बना रही है। चलिए दिखाते हैं। पूजा अभी जो है रोटी बना रही है और सब्जी बन गई पूजा? हाँ। और बोले आंखों में अभी जलन कम है अब? कम है, थोड़ा दर्द लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है यार। अच्छा, और आज स्कूल में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, तो ऐसे कार्यक्रमों में जाना चाहिए, ठीक है? लेके जाओगे तो चली जाऊंगी। हम तो लेके जाते हैं यार। ठीक है, फिर मैं बोल रही हूँ गर्मा गर्म रोटी बन गई है, खा लोगे? हाँ। उसके बाद एक गिलास दूध पियोगे? हाँ। फिर एक गोली बुखार के खाओगे तो मैं बुखार भी आया, फिर सो जाओगे। उनका खाना भी चल रहा है अभी, रोटी हो गई, दही हो गया और लौकी की सब्जी। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो देखने में मजा आया होगा। मजा आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, और लाइक वीडियो को जरूर करना।